वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जैकलोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जैकलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए फार्मेसी नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट इस वीडियो में बात करने वाले पी स्टिपेंड के बारे में। आरयूएचएस प्रत्येक वर्ष आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करता है, बट बहुत सारे स्टूडेंटों को कॉलेज नहीं मिल पाता, उसके लिए पी स्टिपेंड का भी टर्म एंड कंडीशंस आरयूएचएस ने दिया हुआ है। सो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं कि पी स्टिपेंड कब होगी, पी स्टिपेंड किस किस को होगी, पी स्टिपेंड कैसे होगी, ये जो सारे डाउट है स्टूडेंट के मन में, ये उनको सता रहे हैं कि कहीं हमारे जो 10,000 रुपीज़ है, हमारे जो काउंसलिंग की फीस है, वो गायब ना हो जाए, वो आरयूएचएस के द्वारा वापस नहीं दी जाए, ये सब उनको भय है। ये सारे हम उनको दूर करने वाले कि कितने रुपए वापस दिए जाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। सो स्टूडेंट फीस रिफंड के मामले में आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि 10,000 रुपये का मामला है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो गए काम से 10,000 रुपये। सो स्टूडेंट जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सुना रहा हूँ, इसमें से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से समझना है जो मैं कहूँ आपसे उस प्रकार। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी फीस रिफंड के लिए, देख लेते हैं उनको। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो फीस रिफंड के लिए आवश्यक होंगे। तो इनको वन बाय वन करके देख लेते, अगर ये आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं तो इनको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले है कि अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड है काउंसलिंग जो राशि थी उसकी रसीद, जो हमने आपने चालान बनाया था ना 10,000 रुपये का, उसकी कॉपी आपको प्रिपेयर करके रखनी है। थर्ड है हमारा आईडी प्रूफ, स्वयं का आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी आईडी आपको प्रिपेयर करके रखनी है, जो कि लगभग सभी अभ्यर्थी के पास होगी। फोर्थ है हमारा कि अभ्यर्थी का पूर्ण स्पष्ट पता, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर जो अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र पर अंकित होगा। फाइव है अभ्यर्थी के बैंक की पासबुक की जो फर्स्ट पेज होता है उसकी फर्स्ट पेज की फोटो कॉपी। सिक्स है अभ्यर्थी के बैंक खाते का वितरण, जैसे कि खाताधारी का नाम, जो अभ्यर्थी का बैंक खाता नंबर है वो, और बैंक खाता का नाम एवं ब्रांच का नाम भी इसमें शो होना चाहिए, और अभ्यर्थी के बैंक का आईएफएससी कोड होता है, आप जैसे ही अपनी बैंक की पासबुक खोलोगे ना कोने में आईएफएससी कोड दिया होगा आपका, वो उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि हमारे पास 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए अभी तक, अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र हो गया, जो चालान कॉपी है वो हो गई, आईडी प्रूफ आप कोई भी ले सकते हो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में, और ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं अभ्यर्थी का पूर्ण स्पष्ट पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो प्रार्थना पत्र पर अंकित होगा, और अभ्यर्थी के बैंक की जो पासबुक है उसके फर्स्ट की कॉपी, और अभ्यर्थी के बैंक खाते का वितरण, और जो सेवन है ना इसमें ध्यान देने की योग्य बात है, समस्त नर्सिंग महाविद्यालयों को काउंसलिंग बोर्ड। अब स्टूडेंट ये पहले का 2018 एवं 2019 द्वारा चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी उपस्थिति आवंटित कॉलेजों में दर्ज की है उनकी सूची और आरयूएचएस चालान जमा कराना होगा। यानी कि जिन्होंने 2018 एवं 2019 में चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी उपस्थिति आवंटित कॉलेज में दर्ज की है, जिनको कॉलेज मिल गया था, उन्होंने जो उपस्थिति दर्ज की होगी उनके लिए, अगर जिनको कॉलेज नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए तो वो 6 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। क्योंकि हमेशा मैं देखता आ रहा हूँ, ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, 5-6 साल से यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है और यही प्रोसेस होती है, और आशा करता हूँ 2019-20 में भी ऐसा ही होगा। सो स्टूडेंट ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ये आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि फरवरी मंथ में फीस रिफंड की डेट कभी भी आ सकती है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ये किन किन स्टूडेंट को मिलेगा और कितना मिलेगा फीस रिफंड का पैसा। सो स्टूडेंट वो कैंडिडेट जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है उनको तो पूरे 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, बट वो कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट तो हो गई थी बट उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, तो ऐसी कंडीशन में उनको 9,000 रुपये दिए जाएंगे फीस रिफंड के थ्रू। ठीक है, क्लियर है आपका डाउट कि जिनको कॉलेज नहीं मिली उनको पूरे 10,000 रुपये, और जिनको कॉलेज मिल गई थी बस बट उन्होंने ज्वाइन नहीं की उनको 9,000 रुपये। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये लेके कहाँ जाने हैं, तो चलिए स्टूडेंट उन्हीं की बात कर लेते हैं कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ लेके जाने हैं।
सो स्टूडेंट, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये प्रश्न आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा कि आपको कहाँ लेकर जाने हैं। काउंसलिंग बोर्ड 2018-19 स्टूडेंट, 4-5 साल हो गए मैंने ऑब्जर्व किया है, यही प्रोसेस रहती है पीस रिफंड की। आशा करता हूँ 19-20 में भी ऐसा ही होगा। दिनांक 9/1 जो 2019 मीटिंग कार्रवाई है उसके अनुसार बिंदु संख्या 2 के अनुसार काउंसलिंग के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ CNA को काउंसलिंग राशि 10,000 रुपये दे दी जाएगी तथा वे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज मिल तो गया था, आवंटित तो हो गया था तथा उनको कॉलेज ज्वाइनिंग नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे अभ्यर्थी को 9,000 रुपये दिए जाएंगे। 9,000 मिल जाए खूब, कॉलेज तो मिल गया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया तो कोई बात नहीं। समस्त नर्सिंग महाविद्यालय को फीस रिफंड भुगतान के संबंध में दिनांक 1/2/2019 से 28/2 स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर 28/2/2019 यानी कि फरवरी में ही ऑप्शन आया था 18/19 में भी, तथा चेयरमैन नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड 2018-19 एवं रजिस्टर्ड राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग B39 सरदार पटेल मार्ग C स्कीम 22 गोदाम जो जयपुर 30/20/01 पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा या कि यहाँ पर लेके जाने, जिनमें से निम्नलिखित दस्तावेज, वो जो मैंने दस्तावेज बताए थे ना पहले, वो सारे दस्तावेज लेके जाने हैं। आप चाहे तो डाक के थ्रू भी इसको जमा करवा सकते हो जैसे इसमें दिया हुआ है, बट आप वेट करें, बहुत जल्द फरवरी मंथ में जो हमारे 2019-20 का जो काउंसलिंग हुई थी उसकी फीस रिफंड का ऑप्शन आ जाएगा फरवरी 2020 में। सो स्टूडेंट, इसमें जो ये हाईलाइट हो रहा है ये आपको एड्रेस याद रखना है, नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड रजिस्टर राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग B39 सरदार पटेल मार्ग C स्कीम 22 गोदाम जयपुर जो 30/20/01 है, ये इस प्रकार का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। और निम्नलिखित दस्तावेज जो मैंने बताए थे उपयुक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक व्यक्तिगत द्वारा जमा करावे, ये इसमें उन्होंने कंडीशन दी हुई है जो कि आपको फॉलो करनी है ताकि आपके 10,000 रुपये 9,000 रुपये आपको मिल जाए। अब बात कर लेते हैं कि फीस रिफंड कैसे होगी। सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, RHS की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़, स्टूडेंट कॉर्नर, रिजल्ट, इवेंट, वैकेंसी और टेंडर्स देखेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज़ पर अपडेट देखनी है प्रत्येक दिन आपको, ताकि आपको पता चल सके कि फीस रिफंड का ऑप्शन आया है नहीं, क्योंकि या तो यहाँ पर आएगा, एक जो दूसरी कंडीशन है जहाँ पर आपकी नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पर देखना है। आई होप स्टूडेंट आपके 10,000 रुपीज़ आपको मिल जाए और बहुत जल्द फीस रिफंड का ऑप्शन आ जाए ताकि आपको भी तसली मिल जाए कि अपने पैसे वापस आ गए। और इस प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ तो आपको मिलती रहे क्योंकि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जो कर रखा है। सो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई हमारी फीस रिफंड की। अगर स्टूडेंट आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो।